उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस अधिकारी मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। इसके तहत ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि उनको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो तिथि मिली है उसके अनुसार ही दर्शन के लिए आए। इसके आगे सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी जानकारियां लोगों तक स्पष्ट रूप से जाए, इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफिंग करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चूंकि एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थयात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, महिला यात्रा